हेलो मॉमीज़ एंड डैडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली मॉम नोज़। दोस्तों, काफ़ी पेरेंट्स के मन में क्वेरी रहती है कि हमारे बच्चे का माथा क्यों गर्म रहता है जब उसकी बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है, उसका टेम्परेचर थर्मामीटर से चेक करने के बाद भी उसका टेम्परेचर नॉर्मल आ रहा है, पर जब हम उसका माथा छूते हैं, सर छूते हैं, तो काफ़ी गर्म रहता है। तो ये चीज़ ऐसा क्यों होता है, क्या ये चिंताजनक बात है, बच्चों को इस चीज़ को लेकर के हमें परेशान होने की ज़रूरत है, और किस केस में आपको बच्चों को डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाना चाहिए, तो ये वीडियो में हम सारी चीज़ कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ क्या उपाय हैं जो आप फॉलो करो जिससे बच्चे का जो ये प्रॉब्लम है सर गर्म होने का, बॉडी नॉर्मल होने का, उसके आपको बिल्कुल बहुत जल्दी इलाज मिल जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर पहले बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ है कि बच्चे की बॉडी में काफ़ी दिक्कतें आने लगती हैं, उनको पॉटी होने लगती है, लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, पेट दर्द होता है, वॉमिटिंग होती है, जब बच्चे की टीथिंग का फेज होता है, दांत आते हैं तो उस टाइम पर बच्चे की बॉडी में गर्माहट आना बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, इसमें आपको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझने की ज़रूरत है दोस्तों कि इस टाइम पर बच्चों की स्किन में, इनकी बॉडी में जो स्वेटिंग ग्लैंड्स होते हैं जिससे पसीना बाहर आता है, वो डेवलप नहीं हुआ होता है, जिसकी वजह से बच्चे बॉडी से बाहर पसीना नहीं निकाल पाते हैं। तो जो बॉडी में हीट जनरेट होती है, गर्माहट आती है, वो बच्चे बाहर नहीं निकाल पाते, इस वजह से वो बच्चों के सर पे चल जाती है, जिसकी वजह से बच्चे का सिर माथा गर्म फील होता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि बच्चे की ग्रोथ, जैसे जैसे बच्चा डेवलप होता है, ग्रोथ होती है, बॉडी की नॉर्मल चीज़ें, नॉर्मल फंक्शन स्टार्ट होते हैं, तो जो सिर है, सिर में बहुत सी ऐसी मसल्स हैं, ऐसी नर्व्स हैं जो ग्रो करती हैं, जिसके वजह से ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा सर में होता है, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है, बच्चे का सर माथा गर्म लगता है। तीसरी चीज़ है दोस्तों कि जब माँ फीड कराती है बच्चे को, तो माँ के स्किन से कांटेक्ट आने से या माँ काफ़ी ज़्यादा बच्चे को ढक के अगर फीड करा रही है, तो उस टाइम पे भी बच्चों को एनवायरनमेंट जो है वो गर्माहट वाला हो जाता है, एंड जिससे बच्चे की बॉडी में पसीना आ जाता है जो बाहर नहीं आता, एंड बच्चे का माथा गर्म हो जाता है। चौथी चीज़ है दोस्तों कि अगर माँ ने गर्म कुछ खाया है, अगर वो ब्रेस्ट फीड करा रही है, अगर कुछ गर्म तासीर वाला खाना खाया है, उससे भी बच्चे को अगर फीड कराएंगे तो बच्चे की बॉडी में गर्माहट जाती है, एंड बच्चे का बॉडी का जो टेम्परेचर है वो राइज करता है। पांचवी चीज़ है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा कपड़े पहना देना, गर्म गर्म कपड़े पहनाते हो जिससे कवर करके रखते हैं हम, तो उससे भी बच्चों को, या टाइट कपड़े पहनाने से भी बच्चे की बॉडी काफ़ी ज़्यादा गर्माहट अंदर से पैदा होती है, जो बच्चों के सिर पर गर्माहट फील होती है। एंड लास्ट चीज़ है दोस्तों कि एनवायरनमेंट, आसपास का अगर टेम्परेचर उमस भरा है, गर्मी वाला है, तो बच्चे की बॉडी में गर्माहट पैदा होना बिल्कुल नॉर्मल है, एंड बच्चे की जो बॉडी है उससे गर्माहट बाहर नहीं आ पाती, जिसकी वजह से बच्चे का सर गर्म फील होता है। दोस्तों, ये रीज़न थे बहुत शॉर्ट में जो मेन आपको जानने ज़रूरी थे कि इन कारणों के वजह से बच्चों की बॉडी में हीट जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे का सर गर्म फील होता है। अब बात करते हैं क्या उपाय हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़, अगर दांत आने की प्रॉब्लम है बच्चे को, तो दांत आने के लिए आप टीथर दीजिए, कैल्केरिया फास, हमने अपनी वीडियो में बताया हुआ है टीथिंग के टाइम पे, कैल्केरिया फास होम्योपैथिक मेडिसिन है, वो सब दीजिए जिससे कि टीथिंग का फेस नॉर्मल हो, एंड जो उस टाइम पे दिक्कतें बच्चों को आती हैं वो अवॉइड हो सके। नेक्स्ट चीज़ है कि बच्चों की ग्रोथ के टाइम पे, तो ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, बच्चा खेलेगा, कूदेगा, मसल्स मूव करेगा, तो बॉडी में हीट जनरेट होगी ही होगी, एंड उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे की अगर बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म फील हो रही है, तो एकदम से उसको एसी में मत लाइए, थोड़ा बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर पर भी नॉर्मल होने दीजिए। नेक्स्ट चीज़ है कि माँ की बॉडी से अगर कांटेक्ट हो रहा है, एंड उसकी वजह से बच्चे का फीड कराने के बाद देख रहे हो बच्चे का माथा गर्म फील हो रहा है, तो उस टाइम पे आप अपनी स्किन से बहुत ज़्यादा चिपका करके बच्चे को फीड ना कराएं, या थोड़ी थोड़ी देर में बच्चे का डायरेक्शन चेंज कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा कवर करके बच्चे को फीड कराइए, नॉर्मली कराइए उस बच्चे को फीड, एंड अगर बच्चे का सर उसके बाद भी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो थोड़ा ब्रेक देने के बाद बच्चे को फीड दें। नेक्स्ट है दोस्तों कि आप बच्चे को, आप अगर फीड कराते हो तो गर्म आहार आप जो खा रहे हो उसके अकॉर्डिंग डाइट लीजिए, कि बच्चे को बहुत ज़्यादा अगर गर्माहट फील होती है सर में, तो गर्म वाली चीज़ें जो है वो थोड़ा कम अवॉइड कर। लास्ट है दोस्तों कि एनवायरनमेंट, अपने आसपास का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रखिए, जिससे बच्चे की जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा राइज ना करे। दोस्तों, ये थी कुछ स्टेप्स जो आपको फॉलो करनी चाहिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके बच्चे के भी बॉडी टेम्परेचर ऐसे राइज होता है या नहीं होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।